बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लंबे वक्त से रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में इस जोड़ी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। खबरों की माने तो रणबीर और आलिया नए साल के जश्न के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। वहीं स्टार कपल के फैंस इनकी शादी के अनाउंसमेंट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आलिया को बड़ा सरप्राइज भी मिला है। दरअसल जानवरों से बेहद प्यार करने वाली आलिया को पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। बता दें आलिया ने पीटा इंडिया कैंपेन में भी काम किया है, जो कुत्ते और बिल्लियों की मदद करते हैं। आलिया बिल्लियों और कुत्तों जैसे जानवरों के लिए अपना प्यार अक्सर जताती नजर आती हैं, और इसी के साथ वह अक्सर जानवरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून को लेकर अपनी आवाज उठाया करती हैं। पेटा इंडिया के सेलिब्रिटी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सचिन बंगेरा ने कहा, आलिया भट्ट न केवल जानवरों के इस्तेमाल से दूर वेगन फैशन को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को जानवरों के प्रति प्यार और दया की भावना भी बढ़ा रही हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का मानना है कि आलिया बोलने से नहीं हिचकिचाती हैं, चाहे वह कुत्ते या बिल्ली को गोद लेने के लिए अपने फैंस को रैली कर रही हों या जानवरों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई की मांग कर रही हों। वहीं आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस के पास इस वक्त कई फिल्में हैं। उनकी फिल्म RRR जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में वह साउथ के दो सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर NTR के साथ काम कर रही हैं। तो वहीं संजय लीला भंसाली के साथ वो गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आने वाली है। रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखेंगी। वहीं फैंस आलिया की किसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो है मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का। इस फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म का हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था और फैंस फिल्म में आलिया और रणबीर की जोड़ी देखने के लिए काफी उत्सुक हैं।